हेलो दोस्तों, फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा चांदनी का प्लांट है। ये डबल पेटल चांदनी का प्लांट है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। डबल पेटल्स में बहुत ही अच्छे फ्लावर्स और फ्लावर की साइज़ भी अच्छी बड़ी होती है। बड़ी बोलने से कम जो हमारे चांदनी का प्लांट आप देखे होंगे सिंगल पेटल्स वाले, वैसे ही होती है, पर थोड़े घने और बहुत अच्छे दिखते हैं ये वाले। हमारे यहाँ तो इसे दूध मोगरा भी कहते हैं। तो ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं सामने में आपको, मैं अभी इसमें थोड़ा कुछ कटिंग करने वाली थी इस प्लांट की, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखेंगे, पूरी पत्तियाँ इस प्लांट की पीली हो चुकी है। तो ये प्लांट मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। इस प्लांट को बिल्कुल पानी बहुत ज़रूरी है इस प्लांट में। अगर आपका प्लांट में बिल्कुल आप एक दिन पानी नहीं डालते हैं और ऐसी जगह रखा है धूप में, तो इसको पानी नहीं मिलने के कारण ये पूरा सूख जाता है। इसके फ्लावर्स भी पूरे झड़ जाते हैं और इसमें फ्लावर्स आपके जो लगते हैं वो कम से कम 3-4 दिन तक वैसे ही रहते हैं। तो ये प्लांट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें फ्लावर आते हैं जब बहुत अच्छे से आते हैं, और अच्छा ये आने के बाद में 3-4 दिन तक इसमें फ्लावर बने हुए रहते हैं। तो इसकी पत्तियाँ पीली होने का कारण मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, पत्तियाँ पीली हो रही हैं। तो पत्तियाँ पीली होने का कारण क्या है? पत्तियाँ पीली तब होती है जब आपका प्लांट बिल्कुल ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पे धूप बहुत आती है। तो धूप आने के कारण जब हम गमले में ऐसा प्लांट लगाते हैं तो उसकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है और वो प्लांट आपका धीरे धीरे पीला होने लगता है। कभी कभी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है और हम पानी नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, उसके धूप के कारण पत्तियाँ पीली होने लगती है। और एक कारण आप देखेंगे, अगर ऊपर से पत्तियाँ पीली होती है तो आपका जो प्लांट में या तो कुछ कमी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। खाद उसको चाहिए, पानी चाहिए, ये सब भी कारण से होती है। और अगर आपके प्लांट से नीचे से पत्तियाँ पीली हो रही है तो आप वो समझिए पत्तियाँ पुरानी हो चुकी है और वो अब झड़ने वाली है। तो नीचे की पत्तियाँ अगर पीली हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊपर से पत्तियाँ पीली होती है तब आपको उस प्लांट को केयर की ज़रूरत है। जब मैं इस प्लांट में देख रही थी तो बहुत ज़्यादा इसकी पत्तियाँ पीली दिख रही थी, तो मैं सोची अब कुछ तो कारण है, क्योंकि टॉप की जब पत्तियाँ ऐसे पीली दिखने लगती है तो जब कुछ कारण से ही ऐसा हुआ है। तो मैं देख रही थी तो ये देखिए इसमें क्या है, बारीक बारीक बहुत छोटे छोटे से इसमें कीड़े नज़र आ रहे थे और ये सभी पत्तियों में थे। जितनी पत्तियाँ येलो थी सब में ऐसा था। तब मैं देखी तो मैं बोली अब तो इसी कटिंग, मुझे कटिंग तो करनी ही थी, तो मैं अब इसकी आज कटिंग कर ही लेती हूँ और मैं कटिंग के साथ ये पर फिर आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए इसमें कितने बारीक हैं ये जो रहते हैं कीड़े, ये जल्दी से हम इसे हटा नहीं पाते हैं, या तो हमको पत्तियों को निकालना पड़ता है। एक एक पत्तियों को आप देख लीजिए और निकाल लीजिए, लेकिन उसका असर रहता ही है, वो बहुत धीरे धीरे जाते हैं। या तो आपको इसमें फिर स्प्रे करना है। स्प्रे कैसे करना है, आप पानी ले जाइए उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह मिक्स करके जब आप स्प्रे करते हैं बॉटल में, हैंड वॉश भी डाल करके आप कर सकते हैं। तो ऐसे पत्तियों को पीछे करके पत्तियों को पलटिए और देखिए, देखिए यहाँ पे भी कैसे यहाँ पे कीड़े लग रहे हैं। इसमें आपको पत्तियों को पीछे करना है और फिर स्प्रे करना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। लहसुन मिर्च का जो हम पेस्ट बनाते हैं उसे हम पानी तैयार करते हैं, उसका भी आप स्प्रे इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल पीछे पत्तियों को पलट के आप इसमें स्प्रे कीजिए। अब फोर्स होना चाहिए आपके उसमें, तो आप तभी आपका ये जो कीड़े हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, और उसे ध्यान देना पड़ता है रेगुलरली। तो आप या तो इन पत्तियों को निकाल दीजिए या तो फिर आप स्प्रे करिए। ये दो कारण आपके हैं जिसे आप ये इसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे तो अब इसकी कटिंग करनी थी, थोड़ा प्लांट मेरा और अच्छा हो जाए, भूसी हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसकी कटिंग कर दूँगी पूरी। तो मैं ये प्लांट मेरा जो था ज़्यादा, देखिए ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे धूप कम, इसको लाइट बहुत ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, लेकिन एकदम तेज़ धूप में हमें गमलों में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्लांट हम धूप में रखना है, छाँव में, इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये दिक्कत हमारे साथ में आती ही है, तो इसलिए हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है धूप और छाँव का। तो ये हमको क्या कहाँ पे रखना है, ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट इसको मिले, सुबह की सनलाइट मिले और ज़्यादा सनलाइट नहीं मिले,
क्योंकि इसे बराबर पानी चाहिए, पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसी जगह पर रखें ताकि दिन भर हमारा पानी अच्छे से चल जाए, और धूप में रखें तो दो बार पानी ज़रूर दीजिए। तो ये काम आपको करना है। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल ऊपर पत्तियों वाला पोर्शन निकाल रही हूँ, और कटिंग इतनी अच्छी है तो मैं इसको दोबारा इसे लगा लूँगी। हर कटिंग की पत्तियाँ निकाल दूँगी, और पत्ती निकालने के बाद में उसके एलोवेरा को लगा करके नीचे वहाँ पर एलोवेरा जेल लगाऊंगी फ्रेश वाला, और उसके बाद में उसे लगा दूंगी। तो ये हमारा कटिंग भी मिल चुकी है इसमें से, और मैं पूरी कटिंग से इसमें से अच्छी तरीके से निकाल दूंगी। ये देखिए, आप इसमें जो सीजर यूज़ करेंगे, सीजर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तभी आपके प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से होगी। अब इसकी सॉइल की बात करते हैं हम, सॉइल कैसे रेडी करना है। सॉइल में आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें कंपोस्ट मिला करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें मिक्स सॉइल मिक्स का वीडियो है, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आप इसमें बराबर खाद मिक्स करते रहिए, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो भी आप यूज़ करें वो करते रहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, चाय पत्ती को भी आप इसमें सुखा करके यूज़, जो हम चाय बनाते हैं वो पत्ती को, बनी हुई चाय की पत्ती सुखा करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और बनाना पिल्स यूज़ कर लीजिए। जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। ये प्लांट एक तो लीजिए, एक बोनसाई का रूप बहुत ही अच्छा दिखता है। अब मैं कटिंग कर दी हूँ, कटिंग करने के बाद अभी और घना होगा तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ आएगी। दोस्तों, इसका फ्लावरिंग का जो सीज़न होता है वो गर्मी के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और गर्मी पूरा ये ठंड तक ऐसा रहता है, और जैसी गर्मी में भी ऐसा नहीं है, गर्मी में भी आपको एक दो फ्लावर्स इसमें मिलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइए।